हे गाइस, मैं लीनू और आप लोग को स्वागत है आप लोग का यूट्यूब चैनल लीनू हेल्थ में। तो गाइस, आज बात करेंगे फॉलिकुलर स्टडी रिपोर्ट जो है उसमें जनरली क्या देखा जाता है, वो रिपोर्ट होता क्या है, सबका मन में रहता है। अगर किसी का फर्स्ट IUI हो रहा है या फिर फर्स्ट जो है डॉक्टर के पास गए हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि आपको जो है फॉलिकुलर स्टडी करना है, फॉलिकुलर जो है आपको USC करना है, कहीं ना कहीं मन में रहता है ये फॉलिकुलर होता क्या है, ये फॉलिकुलर स्टडी रिपोर्ट क्या है, इसमें क्या देखते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी। जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी तो मेरा IUI होने वाला था, तब मुझे पता नहीं था फॉलिकुलर क्या होता है, फॉलिकुलर रिपोर्ट जो होता है वो क्या होता है। तो कहीं ना कहीं मैं भी थोड़ा सा मतलब ये डॉक्टर से पूछते थे कि मेरा सब ठीक है ना, सब कुछ ठीक है ना, तो तब मुझे पता नहीं था क्या होता है। तो फिर मैं डॉक्टर तो ऐसा कुछ बोलते नहीं है, हाँ सब कुछ ठीक है ऐसे बोलते हैं। फिर मैं आके सोची कि ये फॉलिकुलर स्टडी रिपोर्ट लिखा हुआ ये क्या होता है। फिर मैं यूट्यूब पे सर्च की, तभी मुझे पता चला। तो अभी अगर किसी को पता नहीं है तो उनके लिए ये वीडियो है, ज़रूर देखिए, आपको भी पता चल जाएगा फॉलिकुलर होता क्या है, फॉलिकुलर स्टडी रिपोर्ट क्या है, उसमें क्या क्या जनरली देखते हैं। देखिए, फॉलिकुलर जो है आपका ओवारी में जो एक बनता है उसे फॉलिकल्स कहते हैं। उसी को मतलब स्टडी करना देखते हैं, उसी को मॉनिटर करना कि कितना एक्स बन रहा है, कितना साइज, क्या साइज है, इसी को फॉलिकुलर स्टडी बोलते हैं। तो देखते हैं आपका लेफ्ट ओवारी राइट ओवारी, रिपोर्ट में ज़रूर लिखा होगा लेफ्ट ओवारी राइट ओवारी, मैं साइड में रिपोर्ट लगाऊंगी। रिपोर्ट में राइट ओवरी लेफ्ट ओवरी में कितना एक्स है, नंबर ऑफ एक्स देखते हैं और साइज लिखते हैं। जैसे कितना दिन पीरियड्स का है वो मेंशन करते हैं, डे 11 डे 10 है, और कितना आपको फॉलिकल्स बना है वो लिखते हैं। राइट ओवरी में एक एक बना है 18 साइज का, या दो बना है 17 18 साइज का, या बिल्कुल नहीं है, या छोटा साइज है तो स्मॉल लिख देते हैं। तो ऐसे राइट ओवरी लेफ्ट ओवरी रहता है। और एक रहता है ET करके, ये जानने वाला चीज़ ज़रूर है। ET का मतलब होता है एंडोमेट्रियल थिकनेस। ये बहुत मेन रोल प्ले करता है आपका कंसीव करने में। अगर सब कुछ सही है, आपका एंडोमेट्रियल थिकनेस अच्छा नहीं बना है, देन आपका कंसीव कभी भी नहीं होगा, क्योंकि वो जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जब भी आप कंसीव करना चाहते हो, आपका एंडोमेट्रियल थिकनेस अगर अच्छा नहीं बनेगा तो कंसीव नहीं होता है। तो वहाँ पे भी एंडोमेट्रियल थिकनेस को मेजर करके लिखते हैं। जैसे हो गया 8 mm, 7 mm, 6 mm, ये एंडोमेट्रियल थिकनेस होता है। तो ये जो है आपका अगर 8 से ज़्यादा रहता है ये बहुत ही बेहतर होता है। 7 भी ठीक है, ओके है, 8 से ज़्यादा अच्छा होता है, 7 रहने से भी आप कंसीव कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आज का ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक अनादर न्यू वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।